कोटपुतली के हरसोरा से आपको बड़ी खबर बताएं। कोटपुतली के हरसोरा थाना अंतर्गत मोरोड़ी गांव में फायरिंग हुई है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटपुतली के हरसोरा थाना अंतर्गत मोरोड़ी गांव में फायरिंग हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। सूचना पर हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घायल व्यक्ति को हरसोरा सीएचसी में भर्ती कराया गया है। एसपी कोटपुतली अब अधिकारियों की बैठक ले रही है। मोरोड़ी गांव निवासी राम निवास के पैर में गोली लगी और हाथ में छर्रे लगे हैं। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। तो कोटपुतली के हरसोरा से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गोली चलने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। सब कुछ नहीं था, मैं वो विशाल सिटी में जमीन ली है नई पार्टी ने, उसमें सिक्योरिटी का काम करता हूँ। तो उसने बोला कि मैं काम करूँगा यहाँ पे, तो मैंने मना कर दिया। इसलिए वो आए थे, दुकान पे बैठा था और सीधा आके गोली चला दी। तो हरसोरा थाना अंतर्गत ये फायरिंग हुई है और आपने सुना घायल के चाचा ने क्या कुछ बताया। व्यक्ति के पैर में गोली लगी है और हाथ में छर्रे लगे हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची। सहयोगी महेश जांगिड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, गोली चली है, क्या कारण था और फिलहाल जो घायल है उसकी हालत कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, राम सिंह गुर्जर के पैर में एक गोली लगी है। 3 राउंड फायरिंग किए गए हैं और अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये मामला क्या था, क्यों गोली चलाई गई है। जी तो महेश, या कोई पुराना मामला था, ये गोली चली क्यों आखिर, मतलब विवाद शुरू कहां से हुआ? जी बिल्कुल, जिसके गोली लगी है राम सिंह से, उसके द्वारा सत्यदर्ग ने बात की, लेकिन अभी तक उसने ऐसा कुछ कारण नहीं बताया कि किस कारण से ये गोली चलाई गई है। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं कि पुलिस कप्तान रंजिता शर्मा कोटपुतली के अंदर क्राइम मीटिंग लेती रही और हरसोरा थाना क्षेत्र के अंदर दो दिन पहले भी इस तरह की एक बड़ी वारदात सामने आई थी, लेकिन अब दोबारा से गोली की वारदात सामने आई है। ये बड़ा पुलिस के ऊपर सवालिया निशान भी खड़ा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। सहयोगी महेश जांगिड़ हमारे साथ।